The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, Akal, friends, I am Dr. Paramjeet. Dr. Education. आज हम बात करने वाले हैं आपके दिमाग की आपकी नसों की आपके विटामिन बी ट्वेल्व की बहुत ही ज़रूरी विटामिन है क्या आपको कुछ याद नहीं रहता क्या आपके नसों में सुनपना आ रहा है क्या आपका पेट ख़राब है क्या आपको अल्सर हो रहे हैं मुंह में छाले हो रहे हैं डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम हो रहा है आपको खून की कमी है आपको एनीमिया हो रहा कमजोर है आप कमज़ोर हैं आपको कमज़ोरी हो रही है आप भूल रहे हैं आपको क्या क्या हो रहा है जी हाँ ये बहुत सारे सिम्टम आपको हो सकता है बी ट्वेल्व वाइटामिन बी ट्वेल्व की कमी के वजह से हो रहे हो और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि बी ट्वेल्व की कमी से क्या लक्षण आते हैं क्यों आते हैं कितने टाइम तक आते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है और आपको बेस्ट सोर्स क्या है बी ट्वेल्व का सो so, देखते रहिएगा चैनल अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए लाल बटन दबा के बेझिझक इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिए लाइक तो अभी दबा दीजिए ठीक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो जिनको नहीं पता कोबालामिन नामक ये विटामिन बी ट्वेल्व नामक हार्मोन जो है ये सॉरी ये वाइटामिन है ये हार्मोन नहीं है ये वाइटामिन है ये एक पानी में घुल जाने वाला वाइटामिन है वाटर सॉल्युबल बहुत ही असेंशियल रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म नर्व फंक्शन रिप्रोडक्शन डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल एज फॉर्मेशन में तो लिटरली आपके बॉडी के हर एक बॉडी फंक्शन में बी का रोल है और इसीलिए बी आपके अंदर वाटर सॉल्युबल होने की वजह से रोज कायदे से जाना चाहिए मगर प्रॉब्लम यह है कि बी ट्वेल्व के जो सोर्सेज हैं वो या तो पोल्ट्री है या तो मीट है या फिश है या डेरी है यानी कि नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं सारे दूध के अलावा तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस हैं और बाकी कुछ फूड प्रोडक्ट्स में आपके सीरियल्स में आपके ओ जैसे आप सुबह सुबह खाते हैं कॉर्नफ्लैक्स टाइप चीजों में एडेड जो हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स एडेड फोर्टिफाइड आते हो बी बी के तो लेकिन ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों को बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो ही जाती है और उसी वजह से उनको फिर सिम्टम आने लगते हैं क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना तो बी कॉम्प्लेक्स बना सकती है ना बहुत दिनों तक उसको स्टोर कर सकती है काफी सालों तक इसीलिए आपको डेफिशिएंसी होने के चांसेस खासकर अगर आप वीगन हैं वेगन है पक्का है वेजिटेरियन है तो भी चांसेस है सो यू माइट बी प्रोन एडल्ट को जिनको भी बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी होगी उनको एक प्रॉब्लम तो पक्का होगी वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होगा न्यूट्रिएंट्स का दूसरे उनके पेट में छाले बहुत जरिए हो जल्दी होंगे उनके अंदर की जो स्किन होती है आपके उस स्किन की इंटीग्रिटी उसकी हीलिंग पावर उसकी रिकवरी उसके अंदर की उसके उसका स्ट्रेंथ बी कॉम्प्लेक्स पे है डिपेंडेंट तो अगर बी कॉम्प्लेक्स आपका कम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी सो so, अगर आप बी कॉम्प्लेक्स से डेफिशिएंट है तो आपको पहले पेट की दिक्कतें जरूर होंगी और अगर ये ठीक नहीं किया गया तो आपको खून की कमी हो सकती है बी ट्वेल्व की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसको हम कहते हैं कमजोरी आएगी मसल में दर्द होगा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम नर्व प्रॉब्लम और मूड डिसऑर्डर फर्गेटफुलनेस सब आएगा और पैरों में हाथों में सुनपना भी आएगा नर्व प्रॉब्लम्स में नर्व डैमेज हो सकती है लिटरली उसके अलावा तो बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है बी कॉम्प्लेक्स का रिकमेंडेड डोज है 2.4 पॉइंट फोर माइक्रोग्राम्स पर डे पर डे सो बी बी कॉम्प्लेक्स जो है और भी इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं और दिमाग में जो भूल जाने वाली बीमारी है डेमेंशिया डेमेंशिया बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है अगर आप बी कॉम्प्लेक्स में आप डेफिशिएंट हैं तो यह देखा गया है रिसर्च में कि आपका कॉग्नेटिव फंक्शन लो हो जाता है और यहां पर अगर एक और चीज है एक प्रिडिक्शन है कि अगर डेमेंशिया वाले लोग बी कॉम्प्लेक्स में अच्छे लेवल पे हो तो इट्स पॉसिबल कि जो बुढ़े हो रहे हैं जिनको प्रिडिक्स जिनको प्रीडिस्पोजिशन इनके फैमिली में प्रॉब्लम है डेमेंशिया का भूल जाने का अगर वो बी कॉम्प्लेक्स ले तो पॉसिबल है कि उनका डैमेंशिया भी प्रिवेंट हो सकता है साथ ही हार्ट और ब्लड के वेसल की डिजीजेज बी कॉम्प्लेक्स बी और बी और B9 ये तीन हार्मोन हैं तीन विटामिन हैं B12 ट्वेल्व साइनोकोबालिन मिथालकोबालिन और B9 तो ये तीन जो हैं ये जब ये हाई लेवल ऑफ होमोसिस्टीन को कंट्रोल करते हैं एलिवेटेड अगर आपका होमोनसिस्टिन होता है तो आपके हार्ट के और ब्लड वेसल्स में कार्डियोवेस्कुलर डिजीज के रिस्क बढ़ जाते हैं तो अगर आपका बी सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व अच्छी लेवल पे है तो वो आपका होमोसिस्टम भी कम करेगा हार्ट की और ये बीमारियों का रिस्क भी कम करेगा सो दिस इज अ गुड थिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस भी आपकी बी ट्वेल्व से बहुत जोरदार बढ़ती है अगर आपको बी ट्वेल्व डिफिशियंसी है तो आपको प्रॉब्लम आएगी बी ट्वेल्व सप्लीमेंट से आपकी एनर्जी आपके एथलेटिक परफॉर्मेंस बेटर होती है सो बी ट्वेल्व आपको लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं लेंगे तो जैसे मैंने बताया बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगेंगे बी ट्वेल्व में कायदे से आप अगर एक बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें आप दूध इंक्लूड करें मिल्क इंक्लूड करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बी ट्वेल्व डिफिशियंसी का मगर आज के डेट में बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ फूड पुअर क्वालिटी ऑफ मिल्क पुअर क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग समटाइम्स हमारी बॉडी में काफ़ी लोगों को डिफिशियंसी आ ही जाती है सो so, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपना बी बी कॉम्प्लेक्स या बी ट्वेल्व का लेवल साल दो साल तीन साल में एक बार जरूर चेक कराएं किसी भी उम्र के हों आप एडल्ट एज के बाद और आ, कुछ नहीं तो कम से कम कभी कभार एक खादा बी कॉम्प्लेक्स का बी कॉम्प्लेक्स या कोई मल्टीविटामिन जरूर लेते रहे उससे आपके बी ट्वेल्व में बढ़ोतरी बढ़ती रहेगी अगर आपको कम कम कमी नहीं है तो कम से कम आप आ, हायर साइड में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है जहाँ तक इसके सप्लीमेंट्स की बात है सप्लीमेंट्स सबके लिए सेफ़ है चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है चाहे वेगन है इसके सप्लीमेंट्स ज़रूर लीजिए और इसको अप्रोप्रिएट डोसेज पर लेने से कोई किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही हाई डोज में सिर्फ ये थोड़ा बहुत एकदम हाई डोज विटामिन बी लेते हैं तब किसी को बहुत पेट में गड़बड़ या वॉमिटिंग नौशिया डिजीनेस चक्कर आ सकते हैं मगर मतलब उतना हाई की जरूरत आप रेगुलर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है और कुछ दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन लेना जरूरी है आप... खासकर अगर हम इसे मेटफॉर्मिन नामक डायबिटीज की दवाई के साथ अगर हम लेते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है तो इसको डायबिटीज की दवा के साथ ना लें इसको अलग डायबिटीज की दवा से अलग लें दूसरा प्रोटॉन पंप इनिविटर जो आ, हमारी गैस की गोली है गैस की गोली के साथ भी बी कॉम्प्लेक्स की दवा ना लें यह भी बी कॉम्प्लेक्स की दवा का एब्जॉर्प्शन कम करती हैं और वाइटामिन सी वाइटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जब आपकी बॉडी में होते हैं तो इसमें क्या है बी uh, कॉम्प्लेक्स की अवेलेबिलिटी को थोड़ा सा कम करता है टू रिड्यूस दिस वाइटामिन सी टू या तीन घंटे के बाद लेना चाहिए बी कॉम्प्लेक्स बी ट्वेल्व सप्लीमेंट के बाद और एक और चीज़ है जो uh, एक दवाइयाँ लेते हैं खून पतला करने वाली अमाइनो सैलिसिलिक एसिड अगर ऐसी सैलिसिलिक एसिड यानी एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ आप लेते हैं तो ये दवाई जो है बॉडी के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर सकती है बी ट्वेल्व के तो बी ट्वेल्व की एब्जॉर्प्शन ये कुछ दवाइयाँ कम करती हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बाकी बी ट्वेल्व के सप्लीमेंट्स एक किसी भी मल्टीविटामिन में वो गोली होती है अब सो so, आप मल्टीविटामिन बिल्कुल लीजिए और उसमें बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए इतना ध्यान रखिए अपने घर परिवार सबको दीजिए बच्चों के लिए भी सिरप आते हैं वो ज़रूर उनको दीजिए और देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन मैं हूँ डॉक्टर परमजीत ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शेयर सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को और स्टे हेल्दी स्टे कनेक्टेड बाय बाय